नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश में कोरोना से हालात बेहद बुरे हो गए हैं। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, काम ठप पड़ चुके हैं और बेरोजगारी की ऐसी मार पड़ी है कि रोजी रोटी तक का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे हालात में छोटा मोटा घरेलू काम करने वालों के ऊपर तो मानो मुसीबत का पहाड़ टूट गया हो। पिछले साल कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया था। हालांकि उसके बाद चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू हुई तो कोरोना की दूसरी लहर ने सब कुछ तबाह कर दिया। दूसरी लहर के बाद अचानक नए कोरोना के मामलों में भारी उछाल आया और फिर राज्य सरकारों ने धीरे धीरे सख्त पाबंदियां लगाते हुए लॉकडाउन लगा दिया। इस कोरोना महामारी से भारी संख्या में लोगों की नौकरियां गई। स्थिति ये हो गई कि जिन लोगों का रोजगार छूटा है उनके घरों में आर्थिक संकट इस कदर हावी हो गया कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। इन्हीं में से एक हैं घरेलू कामगार, जिन्होंने महामारी के बाद से अपनी नौकरियां खो दी। एक रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि दिल्ली में 63% घरेलू कामगारों ने महामारी के बाद से नौकरी खो दी है। दक्षिणी दिल्ली में 480 घरेलू कामगारों के बीच राष्ट्रीय घरेलू कामगार आंदोलन और बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा किए गए एक संयुक्त सर्वे से पता चला कि केवल 37.5% घरेलू कामगार अब भी काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं। जो लोग अभी घरों में जाते हैं उनमें से ज़्यादातर केवल 1 या 2 घंटे के लिए काम करते हैं। अब भी काम करने वाले श्रमिकों में 36% बहुसंख्यक को प्रतिदिन 31 से 60 रुपये का भुगतान मिलता है। वाकई में ये रकम बहुत छोटी है। केवल 1% लोग ऐसे हैं जिनको 250 रुपये से अधिक का भुगतान किया जाता है। BMM यानी कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार को पत्र लिखकर इन घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का आग्रह किया था। BMM के महासचिव निर्मल गोराना ने बताया कि घरेलू काम असंगठित क्षेत्र में आते हैं और ज़्यादातर श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। हमने सरकार से प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने का अनुरोध किया है। पिछले 15 दिनों में इनकी हालत और ख़राब हुई है। हमने उनके लिए मुफ्त राशन की भी मांग की है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ने के साथ लोग उन्हें घर बुलाने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में इन लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। कोरोना महामारी से उपजे हालातों के बाद इन लोगों का घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।